लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ से एक बार फिर से कोरोना को लेकर खबर। बाजार में लगातार लोगों की भारी भीड़, पुलिस बूथ के बगल में लग रही है लेबर बाजार, पुलिसकर्मी भी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। कोरोना से बेखौफ हुए लोग, बाजार में लग रही है लोगों की भारी भीड़, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस तरह का नज़ारा पूरे भारतवर्ष में आम है। सरकारें जितना ही लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों में लापरवाही उतनी ही बढ़ती जा रही है। पिछले साल का जो कोरोना की वेव थी, उस समय लोग डरे हुए थे, लोगों ने पालन किया था। और इसके बाद ललितपुर से बड़ी खबर है, प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। रसूखदार नेताओं के इशारे पर हुई थी कार्रवाई। रिटायर्ड अध्यापक की पत्नी लड़ रही है प्रधानी का चुनाव। चुनावी रंजिश के चलते पहले भी हो चुका है मामला दर्ज। जखौरा विकासखंड के स्थानीय कस्बे का ये पूरा मामला, रिटायर्ड शिक्षक पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। रसूखदार नेताओं के इशारे पर हुई है ये कार्रवाई। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये वो प्रपत्र जो भेजा गया है उन्हें, बताया जा रहा है कि रसूखदार नेताओं की मंशा के चलते ये कार्रवाई रिटायर्ड शिक्षक पर की गई है। और इसके बाद एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर।